दो हमने तैयार करा था वो हमने एक्सट्रूडर मशीन में डाल दिया है और यहाँ पे हमारी पापड़ी बनके स्टार्ट होगी। पापड़ी बननी स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो और देख रहे हो कैसे निकल रहा है, अपने आप निकलता जाएगा नीचे, अपने आप निकलता जाएगा और अपने आप टूटता जाएगा और फ्राई होकर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से फ्राई हो गया ये पूरा। ओके, चिप्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं जी। इसमें भरता जा रहा है और ये पूरा पैक होता जाएगा जी। अभी ये पूरा यहाँ पे लड़िया बनकर बाहर निकल के रहेगी। बहुत ही बढ़िया, ये देख रहा हूँ पूरी लड़िया पैक होती जा रही है। तो दोस्तों आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ और सर से मिलवाने वाला हूँ। अगर हम सोचते हैं ये कुरकुरे के पैकेट बिक रहे हैं, ये कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, अगर आप भी एक बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हो, आज मैं एक ऐसी फैक्ट्री में लेके आया हूँ जहाँ पे सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनती है। तो कैसे हो सर? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया सर, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमा सकता है, क्या सच है ये? जी बिल्कुल, बिल्कुल सच है ये। क्या क्या डील करते हैं, कहाँ पर आया हूँ मैं? नमस्कार दोस्तों, मैं साबिर खान नोएडा से, रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन से। दोस्तों मेरी फैक्ट्री का एड्रेस है A35 सेक्टर 10 नोएडा। यहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग के सभी प्लांट बनाते हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कुरकुरे का प्लांट हो गया, पोला का प्लांट हो गया, पफ का प्लांट हो गया, फ्रेम्स आइटम का प्लांट हो गया, नमकीन का प्लांट हो गया, चिप्स का प्लांट हो गया, ये सभी तरह के प्लांट हम यहाँ पे बनाते हैं। वो आजकल जो मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, जो मतलब सप्लाई वगैरह कर रहे हैं, वो ऐसी बना के बेचते हैं? जी बिल्कुल, यही मशीनें होती है, इन्हीं से इस तरह के प्रोडक्ट बना के इन्हीं को पैक करके सप्लाई की जाती है। क्या बात है, तो आज आपको सारी चीज दिखाएंगे, इवन आपको डेमो भी दिखाएंगे, ये कुरकुरे कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये देख रहे हो अलग अलग चीजों का आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। और मशीनें देख रहे हो इनके पास एक से एक है, सारी चीजें बताएंगे। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है कौन कौन ये बिजनेस कर सकता है? सर कोई भी, एनीबॉडी कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई या कोई स्किल्स? नहीं सर, ऐसा कोई सी किसी स्किल्स की पढ़ाई लिखाई की जरूरत तो नहीं है, कोई भी बंदा इस बिजनेस को कर सकता है, कोई ज्यादा टिपिकल बिजनेस नहीं है इसको, जो घरेलू महिलाएं होती है वो भी कर सकती हैं। अच्छा एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि ये फूड से रिलेटेड बिजनेस है जी, इसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होंगे? हाँ जी, इसके लिए फूड लाइसेंस चाहिए होगा, वो भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा वो भी आप करवा के देते हो? अच्छा, जैसे ये फैक्ट्री का सेटअप और लेबर वगैरह स्किल, मतलब उन्हें सिखाना कैसे बनेगा, कैसे माल बनेगा, वो भी आप ही बताओगे? जी, उसके लिए मैं ट्रेनिंग के लिए बंदा भेजता हूँ, वहाँ पे जाके एक हफ्ते की ट्रेनिंग वो देता है, वहाँ पे किस तरह से माल बनता है, किस तरह से पैक होता है, कैसे आपका पैक किया जाएगा, सब कुछ वहाँ पे ट्रेनिंग हमारा बंदा देता है। जहाँ भी मशीन जाती है वहाँ पे मैं अपना ट्रेनिंग का पर्सनल बंदा भेजूंगा। सर अगर मैं बात करूँ जैसे प्रॉफिट मार्जिन की, एक पैकेट जैसे मैंने बनाया तो एक पैकेट में मैं कितना मार्जिन कमा सकता हूँ, मतलब क्या क्वांटिटी बेचनी पड़ती है, कैसे होता है? दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक पैकेट में, इसकी लागत बता देता हूँ, इस पैकेट की जो लागत होती है कोई भी आइटम अगर फूड प्रोडक्ट का हमारा होता है, वो 2 से 2.25 रुपए के बीच में हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, और जैसे जहाँ पे कंपटीशन होता है उस हिसाब से हम इसको बेचते हैं, जैसे कहीं 3.25 का भी बिकता है, कहीं 3.5 का भी बिकता है, तो एक पैकेट पे हमको मिनिमम 1 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है। 1 रुपए का प्रॉफिट जी, और वही अगर लाखों पीस बेच दिए महीनों के तो लाखों रुपए में। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी पाउच पैकिंग मशीन है, ये 1 घंटे में 2000 पैकेट बनाती है। 2000 पैकेट एक घंटे में 2000 बनाती है, तो सीधा सीधा हमारा 1 घंटे का प्रॉफिट 2000 रुपए का हो गया। ये लेबर को सब कुछ हटा के, सब कुछ काट के, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ काट के? जी बिल्कुल। क्या बात है, मतलब ऐसा धंधा कहाँ मिलेगा जहाँ ऑटोमेटिक आपको दिखाएंगे अभी कैसे पैकिंग होती है, कैसे ये डीप फ्राई करते हैं वो भी दिखाएंगे। ये क्या चीज है सर? सर ये पोटैटो स्लाइस करने वाली मशीन है। अच्छा ये भी, इसका भी डेमो दोगे आज? जी इसका भी, सब कुछ दिखाएंगे। क्या बात है, देख रहे हो मशीनों की इनके पास कमी नहीं है, सारी चीजें बताने वाले हैं। अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, कोई पार्ट टाइम करना चाहता है या फुल टाइम करना चाहता है, तो सर पूरी ट्रेनिंग भी दे देते हैं। जी बिल्कुल। तो सर अगर बात करी जाए, जैसे अब प्रॉफिट मार्जिन तो हो गया, अब ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मशीनें भिजवा भी देते हो आप सारी? दोस्तों ऑल इंडिया में कहीं से भी आपको ऑर्डर करना है या कहीं भी आपको मशीनें मंगानी है, तो यहाँ पे पूरी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट में मशीनें आपकी लोड की जाएंगी सेफ्टी के साथ, और आपका बिल बना के दिया जाएगा बाकायदा, वहाँ पे जैसे मशीनें आपकी पहुँचे सेफ्टी से उन्हें अनलोड करा लीजिए, ट्रांसपोर्ट की पेमेंट करके रिलीज कर दीजिए। और फूड आइटम का ऐसा बिजनेस है, आपको पता है खाने की तो खपत हर जगह ही होती है, अगर आपने ये बिजनेस की शुरुआत कर ली तो लखपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज जो भैया ने कहा जैसे ट्रेनिंग देते हैं, आज आपको वीडियो में भी थोड़ी सी ट्रेनिंग और डेमो देते हैं। जी बिल्कुल, वीडियो में भी आपको लाइव डेमो चला के दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नमकीन के प्लांट का, कि नमकीन किस तरह से बनाते हैं, कैसे फ्राई होता है, कैसे ड्राई होता है, कैसे पैक होता है और किस तरह से वर्क प्रोसेस करता है। सर सबसे पहले क्या दिखाने वाले हो? दोस्तों नमकीन के प्लांट में सबसे पहले जैसे हमारी मलनी मशीन है, इसमें हम क्या करेंगे, नमकीन का जो डो होता है हमारा उसको तैयार करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बेसन है, अब इसको इस मशीन में डाल देंगे, इसी में मसाले पानी तेल सब डाल देंगे, हमारा डो तैयार हो जाएगा। जो गूंथते हैं वो ये काम करेगी? जी बिल्कुल, ये गूंथने का काम यही करेगी। जी क्या बात है, अब देखो, अब दिखाते हैं क्या डलेगा। सर सबसे पहले इसमें, सबसे पहले बेसन इसमें डलेगा। अच्छा बेसन डलेगा ये जी, इस तरह से पहले बेसन जाएगा इसमें। इसमें डलेगा यहाँ पे पानी, देख रहे हो, और इसके साथ थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स होता है, एडिबल ऑयल जी। अब ये थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर ऑयल,
क्या बात है सर, ये कितना किलो मतलब कुछ किलो का हिसाब होता है इसमें? जी जी, इसमें बैच के हिसाब से होता है। अभी हम जो तैयार कर रहे हैं 10 केजी का बैच हम तैयार कर रहे हैं। 10 केजी का बैच जी, तो उसी के हिसाब से इसमें तेल मसाले पानी सब कुछ हम डाल रहे हैं कि 10 केजी में जितना डालना है। बहुत ही बढ़िया। अब बस मशीन ऑन करनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना है जी। ये अब ये देखिए मशीनें स्टार्ट हो गई। अरे वाह, बस ये देखो इस तरह से पूरा ऑयल भी डलेगा इसमें, ये देखो, और अभी गुद के तैयार हो जाएगा। ये सर हो गया तैयार? हाँ जी। तो दोस्तों हम जैसा कि आपने देखा, जो हमने पानी और तेल मसाले इसमें डाले थे वो सब कुछ मिक्स हो चुके हैं, तो हमारा तैयार हो चुका है। अब ये सीधा हमारा तैयार है एक्सट्रूडर मशीन में डालने के लिए। सीधा 10 किलो बन जाएगा इससे? जी। तो जो एक्सट्रूडर मशीन में मतलब जो हमने डाई लगाई हुई है उस तरह का प्रोडक्ट उसमें बनेगा। एक ही मशीन से हम 15 से 20 तरह का आइटम उसमें बना सकते हैं। पूरी ऑटोमेटिक है, देख रहे हो, कुछ नहीं करना, बस डालना है और अपने आप तैयार हो जाएगा जी। अब कौन सा प्रोसेस है ये? दोस्तों जो आपने देखा डो हमने तैयार हो गया था वो एक्सट्रूडर मशीन में अब हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने गाट पापड़ी की डाई लगाई हुई है। ओके। और यहाँ पे हमारा पापड़ी ये डाई है, नीचे डाई जी। डो हमने तैयार करा था वो हमने एक्सट्रूडर मशीन में डाल दिया है, और यहाँ पे हमारी पापड़ी बन के स्टार्ट हो गई। पापड़ी बननी स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो, और देख रहे हो कैसे निकल रहा है, अपने आप निकलता जाएगा नीचे, अपने आप निकलता जाएगा और अपने आप टूटता जाएगा, फ्राई होकर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से फ्राई हो गया ये पूरा। ओके, चिप्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से? ये ऑटोमेटिक उठ जाएगा सर? सारा जी बिल्कुल ऑटोमेटिक उठ जाएगा, सारा माल ऑटोमेटिक इसमें बाहर आ जाएगा। ये देखो इस तरह से पूरा, क्या बात है, देख रहे हो। इस तरह से सारा सामान ये निकल जाएगा माल इसमें पूरा जी, क्या बात है, ये देखो। और कितना बता सकते हैं इसमें एक बार में इसमें जो हमारा आएगा कम से कम 5 से 6 केजी हमारा मेटेरियल तैयार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, देख रहे हो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चिप्स मेकिंग मशीन सीधा आप यहीं से बना के मतलब कुछ भी ये आइटम सारे बना सकते हैं इससे? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद क्या पैकिंग का प्रोसेस? जी अभी जो हमारे आइटम निकला है इसमें कुछ ऑयल है, अब इसको ड्राई किया जाएगा। ओके। एक्स्ट्रा ऑयल वो निकाला जाएगा इसका। क्या प्रोसेस रह गया है? दोस्तों जो आपने देखा हमने जो नमकीन फ्राई किया था, जो हमने नमकीन बनाया था पंजाबी तड़का उगाठिया, अब इसको हम मसाला मिलाते हैं। ये पंजाबी तड़का वगैरह ऐसी बनती है? हाँ जी बिल्कुल। अरे वाह, अब मिक्सी में क्या होगा यहाँ पे? अब इसे हांडे में डाल देते हैं, इसको कोटिंग पैन बोलते हैं। इसमें हमको जिस भी तरह का फ्लेवर चढ़ाना होता है, जैसे खट्टा मीठा हो गया, चटपटा हो गया, या पुदीना हो गया, क्रीम ऑनियन हो गया, जो भी फ्लेवर हमको चढ़ाना है इस मशीन में डाल देते हैं, ये चढ़ा देती है। डाल दे, ये देखो इस तरह से डाल दिया है। अब जो भी हमको फ्लेवर चढ़ाना है वो हम इस पे ऊपर से चढ़ाएंगे और अपने आप घूमते रहेगा। ये इस तरह से हम इसमें मसाला इसमें छान देते हैं, तो जितना भी मसाला होता है सब इसके ऊपर जो प्रोडक्ट हमने बनाया आसानी से चढ़ जाता है, और एक बेहतरीन फ्लेवर का टेस्ट हमको मिल जाता है। तो इसमें सारा मसाला डलता है, मसाला मिक्स हो रहा है सारा। इसमें किसी भी तरह का फ्लेवर हो, जैसे खट्टा मीठा, चटपटा, टेंगी टमाटो, या पुदीने का, क्रीम का, कोई भी फ्लेवर हो इसमें चढ़ा देते हैं, सारे फ्लेवर चढ़ जाएंगे। देख रहे हो इसमें मसाला मिलकर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें कोई भी मसाला मिक्स कर सकते हैं? कोई भी मसाला आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल ये रेडी हो चुका है हमारा मसाला मिलकर। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अरे यहीं से निकल जाता है? अरे वाह क्या बात है, देख रहे हो यहीं से सारा बाहर आ जाएगा जी। अरे वाह, ये देखो ये सारा बना दिया फ्लेवर डाल के, अब फ्लेवर भी ऐड हो गया इसमें। और इसके बाद क्या प्रोसेस है सर? अब इसको उठाकर हम सीधा पैकिंग मशीन में डाल देते हैं, वहाँ पे हमारे पैकेट बन के बाहर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक पैक होते रहेंगे। अब कहाँ पर है ये, क्या चीज़ है? तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये हमारी पाउच पैकिंग मशीन है, इसमें पैक होगा पूरा। हाँ जी, इसमें जितने भी ग्राम हमको चाहिए उतने ग्राम का कप लगा देते हैं। अब इसमें कोई भी आइटम हो, चिप्स हो, कुरकुरे हो, नमकीन हो, पफ हो, कोई भी आइटम हो, सब इसमें पैक हो जाता है। तो मैं देख रहा हूँ काफी बिजनेस कर सकते हैं, चाहे पैकिंग का बिजनेस कर लो, चाहे इसके साथ आप डाल के कर लो जी, कोई भी कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अभी नमकीन बनाए थे गाठिया पंजाबी तड़का, अब इसको डाल के हम सीधा पैक कर लेते हैं। ओके, ये देखो इस तरह से ऊपर जाएगा, अब ये ऑटोमेटिकली पैक हो जाएगा पूरा जी। अब हॉपर में डाल दिया है, मशीन में सब प्रोग्राम डाल देते हैं, अब ये सीधा ऑटोमेटिक पैक करके निकाल देगा। बहुत ही बढ़िया, अब ये देखो ये मशीन ऑन करनी है बस, अब ऑटोमेटिकली पैक शुरू हो जाएगा जी। ये देखो इस तरह से, अच्छा ये भरता जा रहा है इसमें? हाँ जी, ये देखो इसमें भरता जा रहा है, और ये पूरा पैक होता जाएगा जी। अब ये पूरा यहाँ पर लड़िया बनेंगे बाहर निकलती रहेगी। बहुत ही बढ़िया, ये देख रहा हूँ पूरी लड़िया और पैक होती जा रही है सर। कितनी पैक हो जाती है एक बार में? एक घंटे में जी 18 से 2000 पैकेट दे देती है। मशीन की जो कैपेसिटी है 10 ग्राम से 250 ग्राम की है। अब इसमें कोई भी आइटम आप पैक कर सकते हैं, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, खाने पीने का, दाल, चावल, चीनी, कोई भी आइटम इसमें पैक कर सकते हैं। क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं? क्वांटिटी जी, कितनी ग्राम आपको पैक करना है, कितना लड़ी निकालना है आपको, सब कुछ ऑटोमेटिक है इसमें। ये जो इस तरह की लड़ी निकालेगी, पाउच में हवा भरेगी, नेट वेट, MRP डेट सब कुछ करके ऑटोमेटिक निकालती रहती है। बहुत ही बढ़िया, देख रहे हो पूरी मशीन पूरा पैक करके भेजेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पाउच हमारे फूले हुए निकल रहे हैं, इन पाउचों के अंदर जो एयर होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, ये जो इस मशीन से बनती है।
कंप्रेसर का पाउच हम इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसका पाइप हम मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक नाइट्रोजन जनरेट करके पाउच को देती रहती है। क्या बात है, मतलब सारा सिस्टम सेट मिलेगा यहाँ जी? पूरा सेट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सर, आपने ये बता दिया नमकीन मेकिंग मशीन कैसे बनती है, क्या होता है, पर अब ये थोड़ा सा बताइए कैसे ये प्रोसेस है, कहाँ आना है, कितनी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी और कौन कौन ये बिजनेस कर सकता है? दोस्तों, बिजनेस करने के लिए किसी ऐसी पर्टिकुलर बंदे की जरूरत नहीं है कि मान लो कोई पढ़ा लिखा हो, किसी के पास डिग्री होल्डर हो, नहीं। कोई हमारी घरेलू महिलाएं होती हैं, वो भी इस काम को, बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। सिंगल फेस मशीन है सारी, कोई कॉमर्शियल कनेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। और इसमें जो आपके नॉर्मल मशीनें लगेंगी, 6 से 7 मशीनें लगेंगी, सब सिंगल फेस की होंगी, स्टील की बनी हुई होंगी सारी मशीनें। और इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, 1 घंटे में 80 से 100 केजी निकालेगी। और जो अगर हम कॉस्टिंग की बात करें पूरे प्लांट की, कितने कॉस्टिंग में आएगा, तो मिनिमम जो हमारा प्लांट की जो कॉस्टिंग है वो 4.5 लाख रुपये नमकीन के प्लांट की, 4.5 लाख रुपये में हमारा पूरा प्लांट लग जाएगा। अगर किसी का इतना बजट नहीं है कि हम 4.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सके या 4.5 लाख रुपये हम इसमें लगा करके अपना काम स्टार्ट कर सके, कोई छोटे लेवल पर भी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो सिर्फ इस तरह की पैकिंग मशीन लेकर के या कंप्रेसर लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकता है। मार्केट में मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, अगर उनको नहीं मिलता कहीं, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं उनको सारी व्यवस्था करा के दूंगा। रॉ मेटेरियल स्टेट में हो, आप कहीं पे भी हो, ऑल इंडिया में कहीं भी हो, आप ऑल इंडिया में कहीं भी, वहीं से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वहीं से ही आपके लोकल एरिया से ही आपको रॉ मेटेरियल अरेंज कराऊंगा मैं, वहीं से मसाले अरेंज कराऊंगा, और आपको सिर्फ पैकिंग मशीन और कंप्रेसर लेके अपना काम स्टार्ट करना है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको एक बिजनेस करना है तो सर को वैसी पूरी नॉलेज है, तो आपको वो नॉलेज भी मिल जाएगी पूरी जी। मैं ट्रेनिंग के लिए पर्सनल बंदा भेजूंगा, चाहे आप पैकिंग मशीन ले मुझसे या पूरा प्लांट ले, फिर भी मैं आपके पास बंदा भेजूंगा। अगर किसी को इस तरह का ब्रांड अपने नाम का बनाना है तो उसके लिए भी पूरी हेल्प यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाली है, उनके लिए सिलेंडर हो गया या लाइसेंस हो गया जो भी लगता है, यहाँ पे पूरी सपोर्ट मिलेगी। बाकी सर के सारे सर्टिफाइड है, सारी मशीनें सर्टिफाइड है, सब कुछ चेक कर सकते हो आप बिल्कुल। और अगर सर किसी को अगर लेनी हो तो क्या प्रोसेस रहेगा, पैसे कैसे देने, पेमेंट के क्या टर्म कंडीशन? देखिए, इंडिया में किसी भी कोने से अगर आप ये मशीन ऑर्डर करते हैं या लेते हैं, तो आपको नोएडा सेक्टर 10A35 में आना पड़ेगा। वहाँ आने के लिए आपको पहले दिल्ली आना पड़ेगा, वहाँ से मेट्रो मिलेगी नोएडा सेक्टर 16 के लिए, वहाँ से आप ऑटो करके सीधा नोएडा सेक्टर 10A35 में आप आ सकते हैं। आज सर लोग है ना काफी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस, उसके लिए लोन वगैरह चाहते हैं, तो एस्टिमेट वगैरह भी दे दोगे आप? हाँ जी बिल्कुल, पूरा कोटेशन परफॉर्म इनवॉइस जो इनको चाहिए, जो भी उनको जिस तरह की भी हेल्प होगी सारी की जाएगी। क्या बात है, मतलब सारी चीजें करवा देंगे। अगर आपको लोन भी लेना है तो उसके लिए आपको एस्टिमेट दे दिया जाएगा, आप लोन पे भी ये बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। तो बाकी सर आना है तो कहाँ पर आना है, थोड़ा सा बता दीजिए। आपको नोएडा सेक्टर 10A35 में आना है, वहाँ पे आपको सीधा साबिर खान से मुलाकात होगी। बाकी सर को कॉल करें, व्हाट्सएप करें, सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप भी अगर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो मशीनें तो काफी कैटेगरी है, सारी चीजें सर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।